नमस्कार। केंद्र सरकार ने 4% डीए अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया है। यह डीए जो है सभी केंद्र कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक उपहार के रूप में मान रही है मोदी सरकार। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए 4% का डीए कुछ महीनों बाद जारी करेगी। 4% डीए की बढ़ोतरी के बाद हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आइए इसका हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन उसके पहले Please subscribe to Teacher's Hut and press the bell icon for more updates. सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारी बेसिक पे सैलरी कितनी है। अगर आपको अपनी बेसिक पे सैलरी नहीं पता हो तो आप अपनी सैलरी स्लिप से पता कर सकते हैं। जैसे मानव संपदा पर लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम पेरोल पर जाएंगे, पेरोल पर हमको सैलरी स्लिप का ऑप्शन मिलेगा। हम यहां से सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सैलरी स्लिप हमारी कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें हम देखेंगे बेसिक पे कितना है। बेसिक पे हमारे ये देखिए 43,600 रुपए हैं। तो अब हम इसी से डीए को कैलकुलेट करेंगे और हम पता करेंगे कि डीए बढ़ने के बाद हमारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए बेसिक पे हमारी 40,000 है। अब 4% डीए बढ़ा हुआ है तो इसका 4% गुणे 4/100 कैलकुलेट करने के बाद हमको 1600 रुपए आएगा। इसका मतलब 4% डीए बढ़ने के बाद अगर हमारी बेसिक पे सैलरी 40,000 रुपए है तो कुल वेतन बढ़ोतरी हमारी 1600 रुपए की होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।